अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप सब के लिए मैं न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। वो रेसिपी है रसियन कबाब की। और आप सबको याद होगा, रमज़ान में मेरे घर में बहुत ही बनता था, दावत में बनता था, मेरी खाला के मेरे घर में सबके घर में बनता था। तो मैं आप सबको दिखाती थी कि ये रसियन कबाब है, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आज मैं आपसे वो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें एक मिक्सर का जार लेना है, उसमें 10 लहसुन का टुकड़ा लेना है, एक अदरक का टुकड़ा लेना है और मिर्ची हरी लेना है। हमें मिर्ची हरी क्वांटिटी ज़्यादा लेना है क्योंकि स्पाइसी ही अच्छी लगती है रसियन कबाब। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और इस तरीके से हमें पेस्ट बना लेना है इसका। और ये पेस्ट हमें कब कहाँ कैसे यूज़ होगा मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि रसियन कबाब में हमें क्या क्या लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब मैंने पहले से रेडी करके रख लिया है और आपको बताती हूँ कि मुझे हम सबको क्या क्या लगेगा रसियन कबाब में। तो सबसे पहले हमें लगेगा पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्ची। और ये हमारा चिकन है, चिकन हमें गोश्त वाला ही लेना है, हड्डी वाला नहीं लेना है क्योंकि हमें कबाब बनाना है तो गोश्त वाला ही यूज़ होगा। और 2 अंडा मैंने लिया है और ये तो मैंने आपको बताया है कि ये पेस्ट है। और ये आलू है, आलू मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। ये सेवइयां मैंने हाथ के मदद से इसे बारीक कर लिया है। और ये सब हमें लगेगा। फिर फ्रेंड्स, आधा चम्मच हमें लाल मिर्ची लगेगा, 1 चम्मच कुटा हुआ काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला। ये सारे हमारे रसियन कबाब के सामान हैं जो हमें यूज़ होंगे और कब कहाँ यूज़ होंगे मैं आपको बताऊँगी। तो चलो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें चिकन अपना ऐड करेंगे। चिकन को अच्छे से धो लेना, उसका पानी सुखा लेना है और फिर जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। और जो काली मिर्च था वो काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे हम। फिर फ्रेंड्स, हमें इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करना है, छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। फिर एक पानी भर के कप ऐड करना है इसमें और चम्मच के मदद से इसको चला लेना है। और फिर इसे हम गैस पे रख देंगे उबाल आने के लिए। और ये जब तक इसका पानी सोखता है इसे हम पकाएंगे, इस मसाले में चिकन लग जाए। देखिए इस तरीके से हमें इसे पकाना है। तो ये अभी पकेगा, आप देख सकते हो, एकदम अच्छे से इसे सुखाना है हमें। चलो जब तक ये पकता है हम दूसरी तैयारी करते हैं। फिर फ्रेंड्स, हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा चम्मच तेल ऐड करेंगे और 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे इसमें। मैदे को सिर्फ 4-5 सेकेंड हमें इसे भूनना है बस। इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से हमें थोड़ा भूनना है। फिर इसमें हम अपना पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची एंड गाजर सब ऐड कर देंगे। और इसको हम सिर्फ 2-3 मिनट भूनेंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ा सा ही हमें इसे भूनना है। और फिर इसमें हम अपना लाल मिर्ची और गरम मसाला ऐड कर देंगे। और फिर आलू हमने हाथों की मदद से इस तरीके से मैश कर लिया था, फिर आलू को भी इसमें हम ऐड कर देंगे। फिर आलू और सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे, सारों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ा 1-3 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप फटाफट बना सकते हो और बहुत ही टेस्टी बनता है। बाहर का तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है रसियन कबाब, आप घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। फिर फ्रेंड्स देखिए, इधर हमारा चिकन इस तरीके से वो बॉयल होके हो चुका है, हमारा मसाला भी चिकन में लग चुका है और इसका हम रेशा निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने रेशा निकाल लिया है इसका। आप देख सकते हो कितना, किस तरीके से मैंने रेशा निकालना, इस तरीके से आपको भी निकालना है। मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से हमें ऐसे रेशा निकालना है ताकि हमारे कबाब में दिखे हमारा। फिर देखिए गाइस, हमने चिकन का रेशा निकाल लिया है। अब ये सब्जी देखिए हमारा किस तरीके से पका, इसी तरीके से पकाना है और फिर इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। फिर चिकन और मसालों को, सारे चिकन को और सब सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा चिकन, हमारा सब्जी सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे भी चिकन के साथ भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 3-4 सेकेंड ही भूनना है। उसके बाद फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और
फिर नमक के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारों को। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में अपने घर वालों को खिलाइएगा, इंशाल्लाह आपसे बार बार बनवाएंगे और बोलेंगे कि जब भी आएंगे मेहमान कोई आपके घर में आता है तो आप ये ज़रूर बना के उनको खिलाइए। वो जब भी आएंगे आपको बोलेंगे कि वो रसियन कबाब मुझे बना के खिलाओ इंशाल्लाह। फिर गाइस चलो हम एक बॉयल लेंगे, उसमें अंडा फोड़ेंगे और अंडे को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके घर में कोई अंडा नहीं खाता है तो आप मैदे के साथ भी कर सकते हो, तो मैं अंडे के साथ कर रही हूँ क्योंकि खाते हैं सब। अगर किसी को नहीं पसंद होगा तो आप मैदे के साथ भी कर सकते हो, मैदे का घोल बना सकते हो। तो इस तरीके से अंडे का घोल बना लेंगे हम, देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद हम कबाब बनाएंगे और कबाब इस तरीके से बनाएंगे, रसियन कबाब। अब मैं इसका ऐसा शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो कौन सा भी शेप दे सकते हो अपनी स्टाइल में, मैं इस तरीके से दे रही हूँ। बहुत सारा शेप आता है, आप अपने तरीके से कोई भी शेप दे सकते हो। इस तरीके से मैं इस कबाब बना लिया है मैंने, और फिर अभी अंडे में मैं डिप करूँगी इस तरीके से, और फिर सेवई में भी लगाऊंगी। देखिए सेवई में इस तरीके से लगाना है हमें। देखिए हमारा लग के हो चुका है सेवई, और इसका हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। देखिए फ्रेंड मैंने ऑयल पहले से रखा था, मेरा ऑयल गरम हो चुका था और अभी मैं अपना कबाब फ्राई करूंगी। और आप देखिए किस तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ, और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनता है ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बार बार अपने घर पे बना के खाओगे अगर ये रेसिपी, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आई होप, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आप जब बनाओगे ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो आप ये रेसिपी अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना, उनको भी अच्छा लगेगा। मेरे घर वालों को तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर रमज़ान में बनाते, वैसे भी बना के खिलाते, पर मैंने सोचा मेरे फ्रेंड्स को मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैंने आप सबसे ये रेसिपी शेयर किया। तो फ्रेंड देखिए इसी तरीके से हम अपना सारा फ्राई कर लेंगे, और ये देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाती हूँ किस तरीके से मेरा कबाब बना है, रसियन कबाब। ये देख लिए कितना यमी, कितना टेस्टी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये रहा हमारा रसियन कबाब का लुक, फाइनल लुक। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।